हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आई थॉट कि आज का व्लॉग आज शाम से ही शुरू करते हैं एंड देखते हैं कल तक जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो राइट नाउ, अभी मैंने ये वाला करवा चौथ का मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप लोग बताएगा कि आपको ये वाला लुक कैसा लग रहा है सेक्शन में, कि आपको ये वाला लुक कैसा लग रहा है। एंड अभी मैं जा रही थी मेकअप को रिमूव करने, देन उसके बाद डिनर भी करना है। मेरे हस्बैंड अभी आने ही वाले हैं। आई थॉट कि जल्दी से मैं मेकअप को हटा देती हूँ, देन उसके बाद डिनर बनाऊंगी एंड देन कल का जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। एंड यहाँ पर आप अलीशा मैडम को देख सकते हो। सो गाइज, मैंने काफ़ी सारे रील्स बनाए हैं एंड एक दो शॉर्ट्स वीडियोस बनाए हैं, तो फिर चलिए जल्दी से फिर डिनर कर लेंगे देन उसके। तो गाइज, पहले मैंने सोचा था कि मैं ये शूट नहीं करूँगी, फिर आई थॉट कि फिर जब मैं निकाल ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ कि मेकअप कर जो एसेसरीज हम पहनते हैं उसे उतारना एंड जगह पे रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी मेकअप उतारना बाकी है, तो पहले मैं अपनी इयररिंग्स निकाल लूँगी, देन उसके बाद नेक सेट निकाल लूँगी। बहुत ही प्यारा सा शॉपसी से मैंने परचेज़ किया था ये वाला चोकर सेट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था। और उसके बाद ये वाला मंगलसूत्र भी मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था, जो कि काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गया था। तो एक मेकअप करने के लिए ये सारे चीज़ें आपको चाहिए ताकि एक अच्छा परफेक्ट लुक मिले। तो यहाँ पर मैंने गजरा भी निकाल दिया था एंड देन उसके बाद मैंने साड़ी को चेंज कर अपना मेकअप अब निकालूंगी। तो पहले अपने आईलैशेस को निकाल कर आईलैशेस यहाँ पर मैं जगह पे रख दूंगी। इससे क्या होगा, आप इसे फिर से रीयूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप मेकअप, मैं जब भी मेकअप करती हूँ सारे चीज़ें जगह पर रख देती हूँ ताकि मुझे दोबारा वो आसानी से मिल जाए। फिर उसके बाद मैंने अर्थरिदम का ये वाला स्पंज लिया है, ये बहुत ही अच्छा है गाइस। ये आपके मेकअप को विद इन मिनट्स में निकाल देता है। तो फिर मैंने उसे गीला कर अपना मेकअप निकाल लिया था एंड जो कुछ भी मेकअप मेरे फेस पे था उसे मैंने फेस वॉश की हेल्प से अच्छे से एक मिनट के लिए फेस को आपने वॉश करना ही करना है, अच्छे से मसाज कर मैंने फेस को वॉश किया। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिंपल हो गई थी, फिर सो मैंने एक्ने स्टार जेल लेकर उस पिंपल पर अप्लाई कर लिया था। तो इससे क्या होगा, जो पिंपल में पेन होगा वो भी रिलीफ हो जाएगा एंड जो आपके एक्ने पिंपल है वो मॉर्निंग तक अच्छे से ड्राई हो जाएगी। देन इसके बाद अप्लाई किया था गार्नियर का विटामिन सी क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा है, मैं इसे एवरीडे यूज़ कर रही हूँ। तो देन उसके बाद हो गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये नेक्स्ट डे का शूट है एंड प्लीज़ इग्नोर करें बैक साइड में। तो आज है फ्राइडे एंड अभी जस्ट जियो मार्ट से मैंने कुछ मंगाया था, वही आया है आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूँ। सो यहाँ पर है जियो मार्ट की पैकेट, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर है पैकेट और वॉट इज़ दिस, आई थिंक ये किसान जैम है जो कि काफ़ी अच्छे से बबल रैप्ड होकर आया है। तो इसे हम रखते हैं साइड पर एंड देन ये मैंने विंग ग्रीन्स का ओरिजिनल पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस मंगाया था, जो कि कुछ इस पैकेज में आया है एंड बॉटल्स। नेक्स्ट मैंने ये मैंने ये अमूल बटर मंगाया था, जो कि स्टब में आया है एंड मायोनीस मंगाए हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, मायोनीस ख़त्म हो गई थी, केचप ख़त्म हो गया था, तो वही मैंने मंगा लिया था ताकि बच्चों को अच्छे सैंडविच या फिर पिज़्ज़ा बर्गर जो भी हो बनाकर घर पर अच्छे से हम देंगे। तो ये मायोनीस हो गया, ये पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस हो गया एंड देन ये मैंने गुलाब जामुन की पैकेट मंगाई थी रेडी मिक्स। तो आज मेरा मन था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊं, तो लेट्स सी देखेंगे हम गुलाब जामुन बनाएंगे
एंड ये है टमाटो केचप जो कि 500 ग्राम का है। तो बस ये सारे चीज़ें मैंने मंगाए थे। और इसमें आई थिंक ये किसान जैम है जो कि ये ग्लास बॉटल में है, इसीलिए काफ़ी अच्छे से पैक्ड होकर आया है। तो ये सारे चीज़ें मैंने मंगाए थे जियोमार्ट से। सो गाइस, ये सारे चीज़ें मैंने मंगाए थे जियोमार्ट से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और मायोनीज, पिज़्ज़ा सॉस और जो भी केचप था वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने रीऑर्डर नहीं किया था। और मंडे से बच्चों के स्कूल्स भी हैं तो बस यही मंगाया है। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अनदर ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।